हुसलम और आप देख रहे हैं सोनी धरती पाकिस्तान हमारे न्यू एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा की धरती पाकिस्तान आपकी बड़ी अच्छी लगी धरती पाकिस्तान जी अल्लाह ताला इस धरती को हमेशा रखे सर या थैंक यू यू वेरी मच मोस्ट आई एम बिकॉज़ ऑफ थैंक यू थैंक यू हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो डिफेंसिव इन नेचर है mm -hmm. और हमने अपने वतन को हमने अपनी जान से अपनी जान कुर्बान करके डिफेंड करना है ये स्टेटमेंट देनी थी कि फिर हमने कहना था कि हमने वहाँ अच्छा हमने लाल किले पे जाके लाल किले में झंडा तो उनका ख्याल था कि हम जिमखाना खाना में सात दिनों में विद इन सेवन डेज उनका ख्याल था कि हम खाना में हम right. पार्टी कर रहे होंगे हक ये हैं कि नाइनटीन में भी हमारा जो रेशो था पावर रेशो वो एक और छः का था और एयर फोर्स में एक और सात का था लेकिन मैं अभी सोचता हूँ कि जब एक जज्बा होता है कि मैंने इन लोगों के लिए अपनी जान देनी है right. तो मेरे ख्याल में उस जज्बे की भी फिर कमी होगी क्योंकि वो लोग फौज के दुश्मन हुए हुए थे right. वो आपको गालियां दे रहे थे right. तो ऐसी मिलिट्री टर्म्स में इसको सबसे बुरी सूरत हाल कहते, है। कहते हैं ऐसी जो है ना ये या हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं अल्लाइक सोनी धरती पाकिस्तान में खुश आमदीद मैं हूँ आपका होस्ट तारिक तारक़्यान खाच नजरात पिछले प्रोग्राम में आपने जनरल उमर फारूक दुरानी साहब से हमारी गुफ्तु सुनी चूँकि एक लंबी गुफ्तु है और उसका सिलसिला हम चाहते हैं कि कंप्लीट करें तो आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट और वंस अगेन जनरल साहब थैंक यू सो मच आपने हमें टाइम दिया और इतना लंबा टाइम दिया uh, मगर चूँकि काफ़ी अरसे से ड्यू था तो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन एंड वेलकम टू द शो सर थैंक यू वेरी मच एंड यू आर वेलकम थैंक यू सर सर हमने जो सिलसिला छोड़ा था वो था कि फौजी फाउंडेशन क्या बात कर रहे थे ये uh, जो प्रसेप्शन इसके बारे में उसको आपने काफ़ी हद तक उसको क्लियर किया एक जो सबसे बड़ी uh, बात की जाती है प्रोपागेंडा किया जाता है वो ये है कि पाकिस्तान का शायद कोई 80% परसेंट कोई 70% परसेंट कहता है काफ़ी लोगों ने डिफरेंट नंबर्स इसमें कोट किए हुए हैं कि सारा पैसा तो जनाब फ़ौज ले जाती है ठीक है हमारे एक जर्नलिस्ट हैं जैन खान भटुलज उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी कि जिसमें उसने बताया कि एग्जैक्टली जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो क्या है ट इज अबाउट थ्री परसेंट ऑफ आर जी डी पी जी जो कि सेवन बिलियन बनता है ये उसकी रिपोर्ट जी जी और उसका उसने कंपेरिजन किया था इंडिया के डिफेंस बजट के साथ विच इज़ अबाउटी सेवन टू सिक्सटी एट बिलियन जी तो असल क्या है सर आप बताइए ये ये जो बात है क्या जी एटी परसेंट सेवेंटी परसेंट कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सच है आश आईविश देखिए मैं इसको ज़रा लिंक करूंगा वो जो आपने लास्ट टाइम जो बात की थी आपने के बिजनेस में बिजनेस जी हाँ मैं वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था जी वाइस चीफ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो फौज को जिस चीज की जरूरत हो जैसे वो उसकी प्रिक्वायरमेंट वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओके <coughs> और मैं सी जी एस के अंडर काम करता था बजट डायरेक्ट्रेट मेरे अंडर थी सो so, प्राइमरिली जो हमारी जो फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमें क्या चाहिए दुश्मन क्या करने वाला है दुश्मन के पास क्या आ गया है और हमें अपने डिफेंस के लिए हमें क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है तो वो जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्ट्रेट जो है वो शेयर करती है और जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जी मैंने फौज को ये ये चीजें लेके देनी है करेक्ट उसको लेके देना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ दैट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट डायरेक्ट्रेट भी मेरे पास थी जो आ, वेपन एंड एक्यूपमेंट डायरेक्ट्रेट जिसने प्रिक्योरमेंट करनी होती है वो भी मेरे अंडर थी जब एम ओ से लिस्ट आई और जब मेरे पास बजट आया तो मैं उसका वन फिफ्टियथ भी नहीं ले सकता था वन टेंथ क्या कहूं मैं वन फिफ्टियथ भी नहीं ले सकता था वाह टाइम डार वॉज दी फाइनेंस मिनिस्टर जी हाँ और जो अभी डिफेंस मिनिस्टर चल, जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं आजकल भी है, आज सार्थ, सार्थ है। हाँ जी वो वो डिफेंस मिनिस्टर थे अच्छा तो मैं जाता था उनके पास कि जी मुझे तो पैसे चाहिए ये तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और अगर ये ना हुई तो हम जिस चीज के लिए आपने हमें बनाया हुआ है हम इस मुल्क को डिफेंड करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जितना इंडिया के पास पैसा है जैसे अभी आपने फिगर्स बताए हैं तो हमारे से ट्वेल्व टाइम ज्यादा उनके पास यस yes. उनके पास पैसा होता है ठीक है हमारा ट्वेल्थ टाइम ज्यादा और जिस तरह वो टेक्नोलॉजी ले रहे होते हैं और जिस तरह वो खर्च कर रहे होते हैं uh -huh. उसके अलावा जो एक उनका डिफेंस बजट होता है देन देर आर स्पेशल ग्रांट्स करेक्ट फॉर स्पेशल न्यू इंडक्शन देर आर स्पेशल ग्रांट्स ऑल्सो जो कि उस बजट से बाहर होती है बाहर होती है तो जब आप देखते हैं तो ये तकरीबन फिफ्टीन टाइम ज्यादा हो जाता है wow. जो उनकी आर्म फोर्सेस के पास जो पैसा होता है बट जाहिर है गरीब मुल्क है पैसा नहीं होता था करेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बताए बगैर मैं चला जाता था mm -hmm. फिर वो मुझे आ, मैं वापस आता था तो वो कहते थे कि तुम उधर मिलने गए थे uh, uh, ये फाइनेंस मिनिस्टर से mm -hmm. उसका मुझे फ़ोन आ गया था mm -hmm. यार गरीब मुल्क है तुम कितना बोझ डालना चाहते हो मैंने कहा सर रिक्वायरमेंट है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी बिल्ड, बिल्डिंग करनी है हमने फौज की करेक्ट फिर आर्मी चीफ कहते थे, थे के, फौजी फाउंडेशन अच्छा मेरे होते हुए बिलियन ऑफ रुपीज बिलियन ऑफ रुपीज फौजी फाउंडेशन क्योंकि उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा कि जो इनके फ्यूचर प्लान हैं जो डेवलपमेंट प्लान उन्हें क्यों रोक दे इफ यू नीड मनी गेट मनी फ्रॉम देम फौजी फाउंडेशन पे लोग उंगलियां उठाते लाहौर कोर जो है जिनको लोग काफी कहते हैं कि जगह जगह इनके बिजनेस वो जो पैसा होता है वो वो पैसा हमारे डिफेंस पे लगता है वो पैसा उनके डिफेंस पे लगता है वो पैसा जो, जवानों के वेलफेयर पे लगता है सो जितनी कोर्स थी उनको कहा हमें सब विजिबिलिटी होती है कि किसके पास कि, कि, कितना कितना पैसा आ रहा है उनके फंड में जो जाता है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोर का जो फंड होता है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो जी की की के बगैर नहीं कर सकते ओके okay. एक सर्टेन अमाउंट है उससे ज्यादा वो जीएचकी की, की परमिशन के बगैर नहीं, नहीं कर सकते और वो सारा पैसा एंड यू वुड नॉट बिलीव इट कि हमने उन पैसों से थोड़ा सा पैसा जो जो बजट में आया उसके अलावा जो उन पैसों से हमने एयर डिफेंस सिस्टम लिया अल्लाह के फजल है कि इस टाइम पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत आला है बहुत आला है हमने 50 किलोमीटर तक आ, रेंज वाले हमने एयर डिफेंस सिस्टम लिए हमारे अल्लाह के फजल है कि उस टाइम जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो वो टैंक्स अभी पाकिस्तान में आना शुरू हो चुके हैं वी टी फोर यू विल नॉट बिलीव इट कि हमारे आमद डिवीजन के पास जो टैंक्स थे वो तकरीबन तकरीबन आपकी उम्र के जितने थे उनको हम अपग्रेड करते जा रहे थे अपग्रेड करते जा रहे थे अपग्रेड करते जा रहे थे तो ये जो जितना भी हमें पता है कि गरीब मुल्क है और जितनी हमें एहसास होता है वो बाहर लोगों को एहसास नहीं होता नहीं। वो समझते हैं कि हम जाके लूट लेते हैं बट दैट इज वेयर कैपेसिटी इन्हेंसमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग एन हमारा ये जो, जो फौजी फाउंडेशन है या जहाँ जहाँ पे भी जिस जगह पे भी कोर्स ने जो भी प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं वहाँ से जो पैसे आते हैं वो सारे जी में जाते हैं वो इधर आते हैं और उससे हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं नहीं तो मैं आपको बताऊं ये जितने हमें पैसे मिलते थे अगर हम सिर्फ उस पर डिपेंड करते रहते तो हम जो हैं बिल्कुल इस टाइम एज में होते हैं ख़्तर मैं उन दोस्तों से जिन्होंने ये, ये सवाल किया था मैंने जैसे अर्ज किया था कि ये शायद बातें मैं ख़ुद भी कर सकता था मगर जनरल साहब की ज़बान से और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जब ये आपके सामने आए हैं तो उन दोस्तों को जो ये समझते हैं कि आ, मतलब मिलिट्री हमें बताती क्यों नहीं है ये कुछ ऑपरेशनल चीज़ें कुछ इस तरह की जो चीज़ें है, हैं जो वीकनेसेस हैं ये उस वक्त जाहिर करना और उस वक्त अवाम के साथ और आम लोगों के साथ शेयर करना आई थिंक ये वैसे भी सही नहीं है और उसको सही नहीं किया जाता असल चीज़ आपको अपनी आर्मी के और अपनी फोर्सेस के ऊपर एक अतमाद होना बहुत ज़रूरी है और आज का सेशन ये इसीलिए था कि वो सवाल किए जाएं जो आप लोग पूछते हैं जिसके ऊपर बहस होती है जिस पे लोग फ़ायदा उठा के और डिसइनफॉर्मेशन फैलाते हैं और ये इसलिए मैं सवाल वरना शायद मैं ये सवाल कभी ना करता सर क्योंकि ये सवाल लोगों की तरफ से था सर आगे आते हैं जो हमारी इस वक्त स्टेटस है हम ने वॉर ऑन टेररिज्म आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये हमारी वॉर नहीं थी हम इसका हिस्सा बन गए और आज जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम देख रहे हैं इसमें इस चीज़ का भी बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें मिलिट्री की क्या डिसीजन uh, मेकिंग होती है या उनका कितना एक ऑप्शनल है कि जी वो इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते उनका कितना एक रोल होता है कि वो ये जो वारनटाइज अफ़गानिस्तान के साथ स्पेशली जब ये शुरू हुई थी जनरल मुशरफ साहब थे तो उस वक्त तो चूंकि वही डिसीजन मेकर थे तो उन्होंने तो कर लिया तो क्या इसमें मिलिट्री भी ना कर सकती है कि जी ये ना करें देखिए एक तो आ, आर्मी इज सबसर्वेंट टू सिविल अथॉरिटी ठीक है और जो वॉर और टेररिज्म है जब इसकी जब हम बात करते हैं इसको आ, दो हिस्सों में देखते हैं इसको सर एक तो जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में आए और उसके जब अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया ये, ये जो जब सोवियत यूनियन आया था और उस टाइम जो एक कोलिशन बनी थी सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए क्योंकि प्रॉबली दी सोवियत यूनियन का उस टाइम नेक्स्ट टारगेट अगर वो अफगानिस्तान से गुजर के आ जाते तो नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान होना था mm -hmm. क्योंकि उन्हें समंदर पे आना था वाई देर ट्राइंग टू कम टू अफगानिस्तान बिकॉज देवर कमिंग टू बेसिकली रेबी और इंडियन ओशन ठीक है ईरान या पाकिस्तान वॉज द नेक्स्ट टारगेट और ये हमेशा से एक वो उनकी डिज़ायर थी बॉम वॉटर्स एंड दैट्स वाई हमेशा ब्रिटिश भी वहाँ पे वो आगे जो है वो अफगानिस्तान तक जाके रखना चाहते थे वो एक बफर क्रिएट करना चाहते बफर क्रिएट ठीक हैथस जो कोलिशन एक इंटरनेशनल कोलिशन बनी थी पाकिस्तान उसका हिस्सा था ठीक है और वो उस टाइम उनके खिलाफ एक लड़ाई की गई और जैसे आ, 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 पहले हम बात कर रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू फाइट करेक्ट और देयर फेथ इन द कॉज ऑफ द फाइट तो हैं उसमें बहुत बहुत लोग आए, mm -hmm. मुल्कों से आए mm -hmm. क्योंकि एक मुसलमान मुल्क पे हमला किया गया तो बहुत मुल्कों से आए और That's वो right. आके उन्होंने वो उस जंग का हिस्सा बने mm -hmm. और उनको फैसिलिटेट किया गया कोलिशन की तरफ से और उनको फंड्स दिए गए सोवियत यूनियन चला गया ब्रेक हो गया और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल था कि इतनी बड़ी पावर को डिफीट किया कि जब वो वापस गए तो इट गॉट प्रोकर लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा होता है ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं जब उनका काम निकल जाता है तो वो तो कहते हैं कि जी अब आप संभालो अब खुद संभालो वो लोग जो लड़ने आए हुए थे वहाँ पे ये गरीब मुल्क कैसे संभाले हेंस एक वो टेररिज्म की एक एक्टिविटी एक पाकिस्तान में शुरू हो गई और वो बढ़ते बढ़ते इस हद हाँ तक पहुँच गई कि हमारे हजारों सिविल्स ने जान दी हमारे हजारों फौजियों ने जान दी और उसको जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उनको ये समझ आई कि भई अगर इसको हमने रोका ना तो ये जो एक फंडामेंटलिज्म है वो पाकिस्तान में इतना फैल जाएगा कि पाकिस्तान को बचाना मुश्किल हो जाएगा अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और इसमें बड़ी डिस्कशन हुई थी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी ठीक है कि ये इनके खिलाफ जाना है ये हमारे लोग हैं जाना है लड़ना है नहीं लड़ना बट ये हमारे कैसे लोग थे जो हमारे सिविलियंस को मार रहे थे बाजारों में धमाके कर रहे थे हमारी बच्चिया हमारी माए बहनें उनकी जाने महफूज नहीं थी सिविलियंस की जाने महफूज नहीं थी आपको याद है कि जो बाजारों में जिस तरह धमाके होते थे नमक मंडी में धमाका हो गया जी इतने सिविलियंस इतना उस जगह धमाका हो गया इतने इतने सिविलियंस सिविलियंस गए गए तो ये कहना कि वो पाकिस्तानी लोग हैं या अपने लोग हैं या ये टेररिस्ट के खिलाफ ये कर रहे हैं उन्होंने सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया चाहे फौजी हों चाहे पुलिस वाले हों चाहे कोई जो भी है उन सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया था हैंस, ये एक गवर्नमेंट का डिसीजन था ठीक है और जब गवर्नमेंट डिसीजन लेती ले लेती है तो फिर फौज ने स्लूल करना है और उसको फॉलो करना है That's right. And then, आर्मी ने फिर एक बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई और आप सोच नहीं सकते कि आपने ईस्टर्न बॉर्डर पे भी फौज रखनी है करेक्ट और आपने टेररिज्म के खिलाफ भी फौज लेके आनी है अ अ टाइम टाइम केम, केम, जब आर्मर वाले mm -hmm. इन्फेंट्री के रोल पे काम कर रहे थे सिग्नल वाले इन्फेंट्री के रोल पे काम कर रहे थे ईस्ट like पे आपने वो से लेकर आपने नीचे समंदर तक आपने वो उस एरिया पे भी नजर रखनी है सो एवरी वन वी वन एवरी ईयर हर कोई जो है ना दोबारा रीडिप्लॉय हो रहा था बाहर आते थे फिर रीडिप्लॉय और जानो को इतना खतरा होता था मैं कोर कमांडर था मैंने एक मेरा एक असूल था कि जब आ, मेरी यूनिट डिप्लॉय हो रही होती थी ऑपरेशनल एरिया में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन तो मैं उनसे जरूर बात करता था और मैं उन्हें एक बात जरूर कहता होता था कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं आप अपने मुल्क की हिफाजत के लिए आप जा रहे हैं आप अपनी माओ बहनों भाइयों बुजुर्गों की हिफाजत के लिए आप वहां पर जा रहे हैं आप मुसलमानों की हिफाजत के लिए वहाँ पे जा रहे हैं That's right. ये ये एक आप जहाज पे जा रहे हैं uh -huh. सो आपको सबसे पहले इसकी मुबारक होनी चाहिए uh -huh. और अगर आप शहीद हो जाते हैं uh -huh. तो मैं मैं आपको सल्यूट करूँगा मैं जब से फ़ौज में आया हूँ मेरी एक ही ख्वाहिश थी शहादत है मतलूब ठीक है मैंने कहा तो या तो आप शहीद होंगे या आप गाजीबान के लौटेंगे तो आप सबको बहुत मुबारक हो जो शहीद हो गया उससे सबसे बड़ी मुबारक है और जो गाजीबान के लौटे हो उसको भी मुबारक हो तो ये एक जज्बा लेके जाते थे और ये जज्बा जो है जब तक पाकिस्तानी अपनी फौज को प्यार करते रहेंगे इस जज्बे को कोई तोड़ नहीं सकता ये और जब तक ये जज्बा कायम है कोई इस मुल्क को नहीं तोड़ सकता यकीन ख़्जरात जनरल साहब के साथ थोड़ी सी और बातें बल्कि अब मैं उस टॉपिक पे आऊँगा जो सबसे ज़्यादा आ, सोशल मीडिया पे आ, जिसका ज़िक्र होता है और जिस को ले कर किया जाता है और उसको ले के ऐसा हवा बनाया जाता है कि एज़ हमारी फ़ौज और हमारे जो जनरल्स हैं ये कुछ दो डिफरेंट टाइप के लोग हैं और जनरल साहब से पूछेंगे कि ये जनरल क्या कोई डिफरेंट लोग होते हैं या जो आम फौज है उससे कैसे उनको अलग कैसे कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं कि कुछ जर्नल्स को अगर ना हो तो फिर हम सब ठीक हो जाएंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद And store inside, से आप हर तरह के पाकिस्तानी और इंडियन ग्रोसरी ले सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ से मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं यूनिट सेवेंटी सिक्स एवेन्यू स्ट्री और फोन नंबर सेवन सेवन एट थ्री टू टू नाइन वन टू जीरो Our phone number is 604-543-ZEST, 15350 Fraser Highway, Surrey, BC. ZEST copy and print. Making an investment mistake could affect your whole future, so it only makes sense to seek professional advice before you make a major financial decision. You want someone who understands your needs and your dreams who is thoroughly up to speed on market conditions, regulations, current trends, who knows how to get the optimum value from selling your home. Even if you're just thinking about selling, talk to your realtor. Hello everyone, my name is Abdul Qayyum, your own family realtor. For all your real estate needs, please give me a call. I'm just a phone call away. My number is 778-688-4777. Thank you. कनाडा में लाहौर जी हाँ टेस्ट ऑफ लाहौर नाइन फाइव टू सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी अगर आपने पाकिस्तानी खाने खाने हैं तो एक ही नाम टेस्ट ऑफ लाहौर सैटरडे संडे नाश्ता निहारी पाए और हलवा पूरी यहाँ पे 200 लोगों की पार्टी भी कर सकते हैं और प्राइवेट मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल भी अवेलेबल बुकिंग के लिए हमारा नंबर है सिक्स जीरो फोर फोर नाइन एट सिक्स फाइव 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 टेस्ट ऑफ लाहौर और आप देख रहे हैं सोनी धरती पाकिस्तान हमारे न्यू एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कीप वॉचिंग सोनी धरती पाकिस्तान वेलकम बैक जी सर सर हम बात कर रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमें आया चाहे सोशल मीडिया के थ्रू था अदरवाइज जो फ़ोन कॉल्स थी वो ये था कि जी आ, आर्मी तो हमें दिलोजान से प्यारी है हम उसके साथ खड़े हैं मगर ये कुछ जनरल्स होते हैं जो टॉप जनरल्स हैं ये गड़बड़ है जी ये नहीं होने चाहिए तो आप भी माशाल्लाह जनरल थे और मैं जब उनसे पूछता था कि भाई क्यों नहीं चाहिए जनरल्स तो वो कहते हैं कि जी ये जो है ना ये पैसा और सारा खा जाते हैं और करप्ट हैं और आर्मी चीफ जो है कौन सा है जो पाकिस्तान में रहता है हालांकि मैंने उनको नाम भी बताया एक दो के जनरल कैनी साहब का नाम बताया तो ये क्या ये वाकई जो जनरल्स होते हैं ये प्रॉब्लम है या इसको हम किस तरह से आ, एड्रेस कर सकते हैं सर इस क्वेश्चन को ये देखें बात ऐसी है कि, आ, कि आम का पेड़ लगाया है बड़ा खूबसूरत पेड़ है लेकिन उस पे जो फल है वो किसी और चीज का आ गया है वहां पे करेले निकल आए हैं ठीक है या तो आप कहें कि आम का पेड़ ही नहीं है ये हाँ। अगर आम का पेड़ है तो उस पर आम ही निकलेंगे ना आम निकलेंगे अगर आप कहते हैं पाक बहुत अच्छी है, तो आप कैसे यह यकीन कर सकते हैं कि उसका जो सबसे ज्यादा जो ऑफिसर होता है वो उसका जनरल होता है ठीक है देखिए एक तो हम मां के पेट से जनरल पैदा नहीं हुए थे वेरी राइट right. मैं जब क्लास टेन करने के बाद मैं पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम में मैं हो गया था। अच्छा। मेरी ये भी जी। करते पाकिस्तान में ये सितंबर की बात अच्छा नजर मोहम्मद और खान मोहम्मद में हमारा कैंप लग चुका था ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही थी ये दो हमारे कोचेज थे नजर मोहम्मद एंड खान मोहम्मद खान मोहम्मद का कोच था अच्छा जी और वहां से हम आई सी एस भी दे के आए थे वहां से सिलेक्शन हो गई और मेरी ये सोच थी कि जी मैं अब ऑफिसर बन गया हूँ मुझे ये भी नहीं पता था कि फौज में क्या होता है और क्या नहीं होता क्या होता क्या पूरी फैमिली से मैं एक जैसे मैंने पहले बात की वायद आदमी थी अच्छा जब फौज में गए ना जब स्पेशली एकेडमी uh, में तो इतना नहीं पता चलता जब हम बाहर आए तो एक चीज से हमेशा हमारी जान निकलना शुरू होगी एंड दैट इज फॉर श्योर ऑलमोस्ट एवरी वन इज बींग इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी हर प्रमोशन सेकंड लेफ्ट से लेफ्ट की प्रमोशन भी जो है लेफ्टेंट से कप्तान की प्रमोशन भी जो है वो डिपेंड करती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसी थी आपका बिहेवियर कैसा था और सबसे इंपॉर्टेंटली आप इस मुल्क या इस फौज के खिलाफ की हरकत तो नहीं करते नहीं। या आप इस्लाम एंटी इस्लाम की हरकत तो नहीं करते ये चीज चीज़ें हैं ये सेकेंड बनने तक कप्तान कैप्टन टू मेजर मेजर के बाद फिर सिलेक्शन शुरू हो जाती है बोर्ड होते हैं और जो एक वो एक मेजर की जो प्रमोशन होती है उसके तीन रीजनल बोर्ड होते हैं अच्छा जी जी बोर्ड होते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं इसका डिसिप्लिन कैसा है ओके

एक तो स्टाफ कॉलेज करना पड़ता कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं आप, और उस पे क्या ऑप्शंस होते हैं जो लोग फेल हो जाते हैं उनके लिए देखिए क्योंकि जो लोग जो आगे नहीं जा सकते मेजर रिटायर हो जाते हैं तो वो कौन-कौन से उनके लिए ऑप्शंस होते हैं देखिए अगर आगे? आपने अगर आपने लाइक आप, आप स्टाफ कोर्स के बगैर स्टाफ कोर्स के बगैर आप फुल कर्नल तक जा सकते हैं अच्छा जी बट यू कैन नॉट बिकम अ कैडियर ओके सो फुल कर्नल इज फुलस्ट रैंक अगर आपने स्टाफ कोर्स नहीं किया स्टाफ कोर्स का होता यह है कि आपको तीन चांसेस मिलते हैं जिस तरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होता का का एग्जाम एग्जाम जिस तरह का होता है कोई को, को, हजार एक ऑफिसर जो है उसके लिए अप्लाई करते हैं सौ की वहां पर वैकेंसी होती है तो जो क्वालिफाई कर गए अब जो बाकियों का जो तीन जिसके चांसेस खत्म हो गए तो उनको इंसेंटिव के तौर पर उनको इंटेलिजेंस स्टाफ स्टाफ कोर्स कोर्स या उनको जो है वो वो करवाए जाते हैं। बट उसके लिए भी आपको एक minimum, आपको एक एक मिनिमम लेवल तक क्या आपका डिसिप्लिन आपके जितने थे आर्मी में परफॉर्मेंस थी करना है। आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी इजाजत के साथ ये मैंने क्वेश्चन जो पूछा इसके लिए मैं आगे एक वी करूंगा एक ख़ास मेजर के हवाले से कि वो इन में से कोई कोर्स भी नहीं कर सके थे और आज वो कॉम को भाषण देते हैं और उसके बारे में मैं आप अलग से एक वी करूंगा थैंक यू सर आगे आप फरमा रहे थे जर्नल बनने के लिए तो ये आ... जो स्क्रूटनी है वो इतनी सख्त होती है इतनी सख्त होती है कि मैंने मैंने अपने बेसिक कोर्सेज में मैं आ, आ, मैं सेकंड था मेरा एक मेरा माय बेस्ट फ्रेंड अहमद हयात माशाल्लाह रिटायर्ड एज मेरे जनरल वो वो टॉप करता था जो मेरा जूनियर स्टाफ कोर्स था उसमें हम इकट्ठे नहीं थे तो वो मैंने टॉप किया था <coughs> तो आपको यू एक पूरी कंटिन्यूस एक स्ट्रगल है एक mm -hmm. मेहनत है ठीक mm -hmm. है mm -hmm. हर लिहाज से प्रोफेशनली यू हैव टू बी डूइंग कोर्सेज में आपने बहुत अच्छा करना है आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है विच इज विच माइट बी टेकन एज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द फोर्सेस फोर्सेज यस और तो मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि बहुत आपको पाक दामन बनकर रहना पड़ता है हर लिहाज से मैं चीफ ऑफ स्टाफ था गुजरा वाला कोर का जब मेरा प्रमोशन होनी थी ब्रिगेडियर टू तो मेजर जनरल अच्छा जी एंड आई हैड नो आइडिया कि मैं प्रमोट होऊंगा या नहीं होगा किसी को कोई सोच भी नहीं सकते थे नहीं। हालांकि मेरा जो पीछे का जो रिकॉर्ड था बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन था ओके okay. मैं जैसे मैंने बताया कि मैं आज एक अपना इंस्ट्रक्टर भी रहा था एंड uh -huh. हमारे फौज में ये होता है कि द बेस्ट ऑफिसर्स आर सेंट एज द इंस्ट्रक्टर्स अनलाइक द सिविल ओके जहां पे टीचिंग इज द लास्ट प्रोफेशन टू बी सिलेक्टेड तो मेरा ये सब कुछ कहने का मकसद ये है कि जितनी स्क्रूटनी पाक फौज में होती है किसी की प्रमोशन पे तो उतनी स्क्रूटनी आप सोच नहीं सकते आप सोच नहीं सकते right. और जब टू मेजर जनरल जो प्रमोशन होती है उसमें तमाम जनरल ऑफिसर बैठे होते हैं तमाम जनरल ऑफिसर बैठे होते हैं और वहां पे एक ऑफिसर के ऊपर तकरीबन कोई घंटों बहस होती है उसकी हर किस्म की परफॉर्मेंस को स्क्रूटनाइज किया जाता है और जैसे मैंने कहा कि हम 350 लोग थे एक कोर्स में इन एकेडमी उसमें से टोटल तीन लेफ्ट जनरल बने वो आप परसेंटेज खुद निकाल लें मार्शल माशा साहब आखिरी क्वेश्चन क्योंकि फिर हम इंशाल्लाह इसके बाद जब मिलेंगे तो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपसे रनमाई लेते रहेंगे आपसे बातचीत भी होती रहेगी इस, इस सारे किस्से में अगर मैं आपसे भी पूछ सकूं Uh, क्योंकि मेरे पास एक पॉलिटिशियन uh, आए थे डिफेंस मिनिस्टर थे उस वक्त वो वन ऑन वन मेरा इंटरव्यू था और मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि uh, आपकी कोई तीस एक साल ऑन एंड ऑफ गवर्नमेंट्स रही हैं तो क्या आप मुझे एक किसी एम एन एम पी ए मिनिस्टर का नाम बता सकते हैं कि जिसको आपने करप्शन की बेसिस के ऊपर निकाला हो या जेल में डाला हो तो उन्होंने खुद ऑन कैमरा ये कहा था कि नहीं जी कोई नहीं आप जो जो फौज के अंदर जो स्कूटनी है स्पेशली जनरल्स के लिए या जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए वो किस तरह से आप देखते हैं और उसकी कोई मिसालें दे सकते हैं आपको पता है जैसे दो लेफ्टिनेंट जनरल्स का कोर्ट मार्शल हुआ सनाउल्ला जनरल्ला वाज माय फ्रेंड मे जनरल शहीद हुआ यस जनरल सरफराज शहीद हुए शहीद हुए मेरे एक उस्ताद थे ब्रिगेडियर साहब थे ही डिड कोर्ट मार्शल एंड मैं उस टाइम चीफ ऑफ स्टाफ था गुजरावाला में मैं चीफ ऑफ स्टाफ था जनरल राह शरीफ कोर कमांडर थे और आई हैव सेड मैं कुछ सिफारिश भी कर सकता था कि सर प्लीज आई नो हिम बट आई न्यू कि उन्होंने जो चीज की थी उस पर वो उनका कोर्ट मार्शल बनता था तो कहने का मतलब ये है कि हमने अपने जनरल ऑफिसर्स को हमने अपने लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल किया हमने अपने मेजर जनरल्स का कोर्ट मार्शल किया हमने अपने ब्रिगेडियर्स का कोर्ट मार्शल किया ठीक है अगर उसको हम उछालते नहीं राइट इट्स नॉट अ पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन डिसिप्लिन मिलिट्री हु गोज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और विल बी कोर्ट मार्शल एस सिंपल किसी ने ऐसी किसी अदारे से बात की जो कि इस मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ है ही विल भी कोर्ट मार्शल और जितने जनरल ऑफिसर हमारे कोर्ट मार्शल हुए हैं ये किसी और आर्मी में नहीं हुए right. और मैं जैसे मैं बता रहा था कि ब्रिगेड तक मैं ये कहता था यार ये टाइम इंटेलिजेंस जो है ना हमारे पीछे फेरी होती है आगे पीछे फेरी होती है हम सांस लेते हैं तो वो भी देखते हैं वो भी देखते हैं जब मैं खुद लेफ्ट मैं जनरल ऑफिसर के पे पहुंचा तो मुझे उसकी अहमियत पता चली क्योंकि जब मेरे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती थी और वो ये बताती थी कि ये बंदा जो है इसकी जो हरकतें हैं तो या इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इस मुल्क के लिए और इस फौज के लिए अच्छी नहीं है नहीं। क्योंकि जब तक आपकी कान और आपकी आंखें आपके साथ ना होंगे right. तो आप कोई कदम सही नहीं ले सकते Very हमारी right. कान और आंखें हमारी इंटेलिजेंस सबसे सोती हैं मुझे यकीन है जी कि uh, ये हमारे कान और आंखें हमेशा खुली रहेंगी और हमेशा आ, सुनती भी रहेंगी और देखती भी रहेंगी और हमारी पाक फ़ौज इस इस मुल्क की इसकी अहसास की इसकी न सिर्फ ये कि फिज़िकल बाउंड्रीज़ की बल्कि हमारी नज़रियाती सरदों की भी मुहाफ़ है और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे और ख़रजात आप लोगों से जो मैंने वादा किया था जिस तरह के कोश्चन्स आपके थे मैंने सारे रखे मैं आपसे मेरी दरख्वास्त ये होगी अब कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी और मैंने बेतहाशा दफ़ा ये कहा कि इवन अगर आप किसी वीडियो में देख भी लेते हैं मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी एज अ जर्नलिस्ट और मैं उस पर स्टैंड करता हूँ कि हमारे जो दुश्मन हैं वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के स्टूडियोज़ के अंदर भी क्लिप्स इस वक्त बन रहे हैं क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा ये चीज़ है कि अगर वो हमारी मिलिट्री और हमारी आवाम के दरमियान एक खलीज एक नफ़रत पैदा कर सकें यह उनका ख्वाब है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है अपने नौजवानों से अपनी कौम से कि वो इस नापाक ख्याल को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे जरूर साहब बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सो मच जी तो इन मुलाकात होगी इनशाला थैंक थैंक यू सर अलग खुद मज़ात इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त आपसे मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह अगले संडे को तब तक के लिए खुदा हाफिज